हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा, आज आपका सिंपल इंटरेस्ट का ये क्लास नंबर 3 है। इससे पीछे क्लास 2 हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप पहले उनको कवर कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास के पहले क्वेश्चन से। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 बन कहा गया है 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 रुपया है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तब मिश्रधन कितना होगा। इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप बेसिक समझो। हमें क्या क्या दिया हुआ है, पी दे रखा है अभी 800 रुपया, टाइम दे रखा है हमें 3 साल, और उसके बाद हमको मिश्रधन दिया हुआ है 920 रुपया। आराम से बात समझना है और सवाल को सॉल्व करना है। देखो, अगर हम आपसे कहें कितना ऐसा ही हमें मिलेगा, तो भाई मिश्रधन में से मूलधन निकाल दो, हमें पता पड़ जाएगा ऐसा ही कितना प्राप्त हुआ है। तो ऐसा ही हमें प्राप्त हुआ है 120 रुपए का, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसा ही बराबर होता है पी आर टी, पी है 800, आर पता नहीं है, और टी का मान कितना है 3 साल, और सबके बटा में होता है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 3 24 और 24 5 120, यानी R की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यदि दर को 3% बढ़ा दें तब यह मिश्रधन कितना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आइए, तो भाई P कितना अभी अपने पास 800 रुपया है, R अब अभी R है 5%, अब इसको 3% और बढ़ा दिया जाए तब ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, 8% हो जाएगी, और गुणा समय आपका बही रहे 3 साल, तो अब हमें जो ब्याज मिल जाएगा वो कितना मिलेगा, 64 3 8 8 64, और 3 कितना होता है, 4 3 12, 1 बचा 6 3 18 और 1 19, यानी हमें 192 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। तो अब देख लीजिए भाई फटाफट से, मिश्रधन कितना होगा, मूलधन अपने पास कितना है 800 रुपया है, और ब्याज अपने पास 192 रुपया है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 992 रुपया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। बोलो बात समझ में आ गई। सबसे पहले मैंने क्या किया, पी आर टी से दर को ज्ञात कर लिया, अपने पास जो दर निकल के आई थी वो 5% है। यदि अब हम लोग दर को 3% बढ़ा दें, यानी 5 से बढ़ाकर 8 कर दें, तब हमें ब्याज मिलेगा कितना, 192 रुपये का, और इस प्रकार से अभी जो राशि है वो कितनी हो जाएगी। तो 800 रुपये पर 192 रुपये और बढ़ गया, आंसर हो गया आपका 992। समझ में आ गई बात, ठीक है। लेकिन अब इसको दूसरे प्रकार से आप कैसे बना सकते हो, ये नोट कर लिया हो तो हटा दूं, समझो आगे, समझिए बात को नेक्स्ट, आराम से समझना है, पूरी वीडियो को अंत तक देखना है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है यदि दर को 3 बढ़ा दें, मैंने आपको बताया जो परिवर्तन दर में होगा वही परिवर्तन ब्याज में भी होगा, ठीक है। पी आर टी बराबर 100/100 होता है, परिवर्तन जो आर में होगा वह टी में होगा और वही पी में होगा, ठीक है। यदि दर को 3 बढ़ा दिया गया तो परसेंटेज ब्याज कितना बढ़ जाएगा, परसेंटेज ब्याज में वृद्धि कितने की हो जाएगी, तो आपका कहना होगा सर परसेंटेज ब्याज में वृद्धि 3 3 9% की हो जाएगी, यानी अब आपको 9% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, किसका, 800 रुपए का। तो 800 रुपए का 9% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, यानी कितना रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगा, 9 8 72 रुपया, 72 रुपया हमें और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी अभी जो आपके पास 920 रुपए की राशि है इस पर 72 रुपया एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, तो अब ये राशि 992 रुपया हो जाएगी, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। हो गया ये जी, जो परिवर्तन परसेंटेज ब्याज में होगा या दर में होगा भाई समय में होगा, मूलधन में होगा और ब्याज में होगा। हमने ये चेक कर लिया इस क्वेश्चन में कि परसेंटेज ब्याज में कितना परिवर्तन आया, तो परसेंटेज ब्याज में 9% का परिवर्तन आया, यानी 800 का 9% एक्स्ट्रा और ब्याज मिलेगा, तो 800 का 9% हुआ 72,
यानी 920 रुपए में आप 72 और ऐड कर दोगे तब आपका आंसर आ जाएगा 992 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। साधारण ब्याज 500 रुपए चार वर्ष में 600 रुपया हो जाता है, यदि दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो मिश्रधन कितना होगा। अब आराम से कर सकते हैं, चारतियां 12 परसेंटेज ब्याज में कितने का वृद्धि होगा, तो आपका कहना होगा सर 12% का हो जाएगा, यानी 500 रुपए का 12% और आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, यानी कितना एक्स्ट्रा मिलेगा तो 60 रुपया एक्स्ट्रा प्राप्त होगा, यानी जो राशि 600 रुपया है उसमें 60 रुपया और प्राप्त हो जाएगा, यानी राशि बढ़कर 660 रुपया हो जाएगी, और यही मिश्रधन के रूप में आपसे पूछा गया था। कितना इजी हो गया। मैंने शुरू में पहले क्लास में ही आपको समझाया था कि आपको पी आर टी बटे 100 को अच्छे से समझ लेना है, इसी पर बेस होता है पूरा ये साधारण ब्याज। तो हमने देखा परसेंटेज ब्याज में 12% की वृद्धि हो गई, तो एक्चुअल में संख्या में वृद्धि कितने का होगा, 500 रुपए का 12% हो जाएगा 60, यानी 60 रुपया हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। जो राशि अभी 600 रुपये हो गई थी अब 60 रुपया और बढ़ जाएगी, यानी वो राशि बढ़कर कितना हो जाएगी 660 रुपये। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तीन नंबर। कोई धन राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, सही है यहां तक। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो भाई ब्याज मिलता 540 रुपया अधिक। उधार दी गई वह राशि कितनी है, यानी आपसे जो पूछा हुआ है वो 100% का मान। हम यहां से ये ज्ञात कर लेंगे कि भैया अगर दर को इतना बढ़ाया गया है तो परसेंटेज ब्याज कितना बढ़ गया होता, तो इनकी गुणा कर दिया इधर से, कितना होगा 3 × 6 = 15, 7.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। बोलो मिलता कि ना, आगे बात समझ में। अरे दर को 2.5 बढ़ाया गया तो परसेंटेज ब्याज कितना बढ़ा, 7.5%। अब परसेंट में बढ़ा 7.5%, लेकिन संख्या में बढ़ा है 540। हमसे जो पूछा गया है वो 100% का मान पूछा गया है, तो ये होगा 540 बटे 7.5 और गुणा 100% की वैल्यू निकालनी है, तो अभी इसको हम यहां से हटा देते, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज हटाओगे ऊपर एक जीरो बढ़ाओगे भाई, ठीक है, या फिर लिख लो साथ में ही गुणा 100। 25 × 3 = 75, 25 × 4 हो गया 100, 18 × 3 = 54 और 18 × 4 = 72, यानी आपके पास जो आ गया निकल के मूल वो कितना है, 7200 रुपया है। उधार दी गई राशि जो थी वो कितना रुपया होगी, 7200 रुपया। यहां पर मैं आपको एक ही बात यह समझाना चाहता हूं कि जो परिवर्तन परसेंटेज में होता है या परसेंटेज ब्याज में हुआ है, आप कोशिश करिए उससे नॉर्मल संख्या का संबंध किस प्रकार से बनाया जाए। हमने यहां देख लिया था कि 2.5% यदि दर बढ़ रही है तो ब्याज भी 540 बढ़ जाता है, तो परसेंटेज ब्याज 7.5% बढ़ेगा और 7.5% यानी 540 हो गया। 100% की वैल्यू पूछिए, 540 बटे होगा 7.5, डिवाइड किया आंसर आ गया 7200 रुपए, इज राइट वन आंसर। समझ में आ गई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए चार नंबर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में कहा गया है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से इतना हो गई है, किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, तो आप ये बताओ उसका मूलधन कितना है। अब तीन क्वेश्चन आपने इस बेस पर बना लिए, तो बाकी ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाना चाहिए। आप इसका आंसर कमेंट करके बताओगे कितना आएगा। पांच नंबर देखिए, बहुत ही प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन लिया है।
क्वेश्चन कहता है भाई, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तब कितना रुपए की निवेश में वृद्धि होगी? तो दर यदि 4 बढ़ेगी तो परसेंटेज ब्याज कितना बढ़ेगा? आप कहोगे सर 4 × 3 = 12% बढ़ जाएगा। अब ये 12% बढ़ेगा किसका? 800 का। तो 800 का 12% कितना होता है? 12×8 = 96 होता है। तो आंसर होगा 96 रुपये बढ़ जाएगा। ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 का आया हुआ है। आपको लगता होगा कि सवाल मैं सिंपल लेके आता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सवाल प्रत्येक पेपर में पूछे जाते हैं, उसी आधार पे मैं कोशिश ये करता हूं कैसे आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया जाए, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो और एग्जाम में एक आप अच्छा स्कोर करके आए। ठीक है ना? तो ये बात बिल्कुल तरह से क्लियर हो गई आपकी। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए, कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार की, आप हर प्रकार से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, 101% दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किसी धन पर 12 वर्षों में 920 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि उसी धन को 6 वर्षों के बाद दुगना कर दिया जाए तब साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा? बहुत आराम से समझना है। कैसे समझना है? अगर 6 साल के बाद धन दुगना हुआ है तो यह भी बात क्लियर है कि भाई समय भी कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, हम जानते हैं कि PRT/100 होता है। अगर धन को दुगना करोगे तो समय भी दुगना होगा और आर भी दुगना होगा। तो देखो, 6 साल तक तो ऐसे ही रहा था समय, 6 साल के बाद धन दुगना हुआ है तो समय भी दुगना हो जाएगा, 6 × 12 = 18। तो कहने का मतलब दोस्त ये है, 18 वर्ष का आपको साधारण ब्याज प्राप्त करना है। अब देखो, 12 वर्ष का साधारण ब्याज है 920, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 920/12 होगा। हमें चाहिए 18 वर्ष का, तो गुणा कर देंगे 18 साल से, 6 × 12, 6 × 3 = 18, और 2 से इसको डिवाइड करो, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12 बराबर, 6 × 3 = 18 बचा 1, 4 × 3 = 12 और 1 = 13, 1380 रुपया हो जाएगा आंसर। तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? 1380। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। यदि 6 साल बाद धन को दोगुना किया गया है तो समय भी दोगुना हो जाएगा, यानी अभी 6 तो ऐसे ही रहेगा, फिर 6 अगला जो 6 वर्ष होगा वो दोगुना होगा, 18 वर्ष हो जाएगा, यानी हमें जो ब्याज प्राप्त करना है वो 18 वर्ष का। 1 वर्ष का होगा 920/12, हमें चाहिए 18 वर्ष का, 18 से गुणा कर दी और आंसर निकल के आ गया 1380 रुपये। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, 7800 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। ठीक है, पहले भाग को 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग के 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का ब्याज आपस में बराबर है। देखो, 7800 रुपए की राशि है, आराम से समझना है, इसको 2 भागों में बांटा गया। मैं मान लेता हूं पहला भाग पहला है और ये दूसरा भाग है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ना होनी चाहिए भैया। अब देखो, पहले भाग को 12% वार्षिक दर से 5 साल के लिए, तो 12×5 = 60, 60% ब्याज प्राप्त होगा। चलो, पहले भाग पर मिलेगा हमें 60% ब्याज, आगे सुनो, दूसरे भाग पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का, तो 10×6 कितना हो जाएगा? 60%। दूसरे भाग पर कितना मिलेगा? 60%। ये दोनों ही ब्याज आपस में क्या है? बराबर, तो मैंने दोनों को इक्वल लगा दिया, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो पहला भाग और दूसरा भाग आपके पास आ जाएगा 1/1। क्या मैं कह सकता हूं अनुपात 2 टोटल राशि है? भाई पहला भाग हम माने थे,
बराबर कितना है 7800 रुपये है, तो अनुपात एक की वैल्यू आ जाएगी 2 3 6 और 2 9 18 39। क्वेश्चन में पूछा हुआ है 12% पर कितना धन उसने उधार दिया, चाहे 12% पे पूछे या फिर वो 10% पे पूछे, कि दोनों की केस में रेशियो है बराबर, तो भाई एक का मान 3900 है, चाहे इसका पूछ ले या इसका पूछ ले, मान तो दोनों का बराबर ही रहेगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 3900। ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन आंसर। बात क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। क्वेश्चन में कहा गया है 1200 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 5% 5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से कर लो फटाफट, 1200 नहीं 12000, इसको 2 भागों में उसने बांटा है, पहले भाग में और दूसरे भाग में, तो पहला भाग इसको ऐसे मानो, दूसरा भाग इसको ऐसे मानो। अब पहले भाग को कहा है उसने 5 वर्ष के लिए 8% से, तो 8 × 5 = 40, यहां मिलेगा उसे 40% ब्याज। दूसरे 4 वर्ष के लिए 10% से, तो यहां भी कितना मिलेगा उसे 40% ब्याज। कर्ज दिया, यदि प्रथम भाग पर साधारण ब्याज दूसरे भाग के साधारण ब्याज का तिगुना हो, यानी दूसरे भाग के साधारण ब्याज के तिगुने के क्या हो दोस्त, बराबर हो, तो ये तिगुने के हमने क्या लगा दिया यहां से, बराबर लगा दिया। प्रथम भाग पर साधारण ब्याज दूसरे भाग के साधारण ब्याज का तिगुना हो, तो जो पहला है वो दूसरे का तिगुना हो गया। करिए सॉल्व, ये चीज कैंसिल हो गई पूरी तरह से, पहला भाग बटे दूसरा भाग ये हो जाएगा 3:1। तो देखो दूसरे का तिगुना हो गया पहला भाग, ठीक है। अब अनुपात में कुल है कितना अपने पास यहां से 4, और 4 की वैल्यू है अपने पास 12000, तो अनुपात एक की वैल्यू कितनी होगी 4 × 3 = 12 = 3000। क्वेश्चन कहता है उन दोनों भागों में अंतर कितने का है, अंतर देख लो भाई कितने का है, तो आप कहोगे सर अंतर है 2 का, अनुपात में अंतर है 2 का, एक का मान 3000 है, तो 2 का मान कितना होगा, 3 × 6000 होगा। ऑप्शन नंबर कितना आंसर होगा आपका, बी ऑप्शन इज राइट वन आंसर। हो गया क्लियर? तो जब भी आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बने तो अब बना लोगे, मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने पूरा आपको अर्थमेटिक कराया है आपको कोई प्रॉब्लम अब एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसके बाद आपका एक टॉपिक और बचा है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको भी बहुत जल्दी मैं कराने वाला हूं, फिर हम लोग मेंसुरेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, इससे और बच्चों को भी इसका लाभ मिले। जितना भी अर्थमेटिक का चैप्टर है जो मैंने आपको कराया है उसका साथ में प्लेलिस्ट भी मैंने बना के तैयार कर दिया है, आप यदि नए हैं चैनल पर तो पहले आप उनको देख लीजिए, यदि देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आता है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, उसी के बाद जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप दूसरे चैनल पे भी जा सकते हैं यदि आपको पसंद नहीं आए तब, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिए, जिससे कि मैं फुल मैथ, चाहे मेंसुरेशन हो, ट्रिगोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, पूरा इसी प्रकार से सॉल्व कराने वाला हूं। तो अब आप देख लीजिए आपको कितना इससे लाभ मिलता है, यदि आपको लगता है कि लाभ है तो करिए चैनल को सब्सक्राइब, करिए वीडियो को शेयर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 नंबर। 2 बैंक ए और बी के ब्याज दरों का अनुपात 5:4 है, एक व्यक्ति अपनी बचत इन बैंकों में इस प्रकार जमा करता है कि प्रत्येक छमाही उसे दोनों बैंकों से बराबर ब्याज मिलता है, अपनी बचत को वह किस अनुपात में इन बैंकों में जमा करता है। लैंग्वेज थोड़ी अलग घुमा के दे रखी है, लेकिन कोशिश करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे कितना होगा। भाई 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कहता है मोहन जॉन को 500 रुपया और टॉम को कुछ राशि समान समय के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, यदि 4 वर्षों में दोनों से कुल 210 रुपए का ब्याज मिलता हो, टॉम को कितनी राशि दी गई। हम मान लेते हैं भाई कि टॉम को जो राशि दी गई है वो कितना है, तो वो x है,
अब करो सवाल, 500 रुपया हमको दिया गया पहले व्यक्ति को यानी जॉन को, 8% से 4 साल के लिए है और बटे 100, ये तो ब्याज किससे मिल गया, जॉन से। टॉम से कितना मिलेगा, तो एक्स राशि है 8% और ये 4 है, फिर ये बटे में 100 है, प्लस बराबर कितना ब्याज मिला दोनों से, 210 रुपए का। अब आराम से सवाल को सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करना है, तो दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं 32/100, ठीक है, तो दोनों से कॉमन आ जाएगा 32/100, तब क्या अपने पास बचेगा यहां से, तो यहां बचा अपने पास भाई 500 और यहां से कितना बचेगा एक्स, और बराबर अपने पास है 210, ठीक है। अब इसको काटो सवाल को, कितने से ये डिवाइड हो जाएगा, 4×8=32 और 4 से ही कट गया 25 बार में, ठीक है, अभी इधर भी कटेगा लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे ही गुणा कर दो, 5×8=40, ये हो गया 4000 प्लस का 8x और 25 का गुणा इसमें करोगे तो होगा 25×1=25, बचा 2, 25×2=50 और 2×52, ये इधर जाके माइनस होगा तो 8x की वैल्यू आ जाएगी 1250, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये होगा 8×1=8, बचे 4, 8×5=40, बचा 5, 8×6=48, बचे 2, 8×2=16 और 8×5=40, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 156.25, कौन सा ऑप्शन होगा, 3 नंबर। हमने x क्या माना था, तो टॉम को दी गई राशि हमने x मानी थी, जो कितनी निकल के आ गई, 156.25 रुपए की निकल के आ गई। बोलो यहां तक बात क्लियर है, तो बहुत अच्छा सवाल एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो अच्छे से याद रखना है, हमने पहले को दी गई राशि प्लस दूसरे को मिला ब्याज, दोनों से जितना ब्याज प्राप्त हुआ है वो 210 रुपए का है, ठीक है, सॉल्व किया सवाल तो आंसर आ गया, टॉम को दी गई राशि कितनी है, 156.25 रुपए की, बात क्लियर, ठीक है। 11 नंबर सवाल देखो, क्वेश्चन कहता है 2550 रुपए में कुछ राशि को 5% पर, शेष राशि को 8% पर उधार दिया गया, 3 वर्षों में दोनों से कुल 396 रुपए का ब्याज मिलता है, बताएं कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी राशि लगाई गई, आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताओगे क्या होगा। 12 नंबर सवाल, एक व्यक्ति 6500 रुपया का कुछ भाग 10% पर और शेष 12% वार्षिक ब्याज दर पर लगाता है, 3 वर्ष बाद उसे कुल इतने रुपए वापस प्राप्त हुए, 10% वार्षिक दर पर उसने कितना रुपया लगाया, तो यह भी सेम क्वेश्चन है, तो इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे क्या क्या आएगा। सेम जो मैंने आपको 9 नंबर क्वेश्चन कराया था, 10, 11, 12 तीनों क्वेश्चन सेम है, और कैसा लगा आपको आज का क्लास, इसके बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।